गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एनिमल्स फाइबर के बारे में बता चुके थे, क्योंकि फाइबर जो होते हैं दो तरह से होते हैं, एक प्लांट फाइबर्स और दूसरा एनिमल फाइबर। तो हमने एनिमल फाइबर में पिछली वीडियो में हमने उसमें सिर्फ उल के बारे में बताया है, आज हम आप लोगों को सिल्क के बारे में बताएंगे। सिल्क भी एनिमल से ऑब्टेन होने वाला एक तरह का फाइबर है। देखते हैं कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द सिल्क वार्म, यानी कि जो ये सिल्क फाइबर जो है वह एक एनिमल्स यानी कि सिल्क वार्म की कुकून से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, द सिल्क मोथ लिव्स ऑन द लिव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स। और ये जो सिल्क के जो एनिमल्स हैं यानी कि जो सिल्क वार्म जैसे कि जो सिल्क मोथ है वह मलबेरी प्लांट्स यानी कि सहतूत के पौधे पे उगने रहने वाला यह एक तरह का इंसेक्ट है। अब ये टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिल्क, कितने टाइप्स के सिल्क होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वार्म प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क इन टर्म्स ऑफ लस्टर एंड टेक्सचर, यानी कि जो सिल्क वार्म होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोड्यूस करते हैं जिसका हम कपड़े बनाने में, कपड़े के उद्योग में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल टैजर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। तो ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क हैं, टैजर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के सिल्क है जो डिफरेंट टाइप के सिल्क वार्म से ऑब्टेन किए जाते हैं। आर प्रोड्यूस बाई डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ से ऑब्टेन किया जाता है, दैट मीन्स कि सिल्क वार्म से ऑब्टेन किया जाता है। मलबेरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क इज सिल्क मोथ, यानी कि जो मलबेरी ट्री पे जो सिल्क वार्म पाए जाते हैं, जो सिल्क मोथ पाए जाते हैं, वो एक कॉमन सिल्क के प्रोड्यूस करने वाले, सिल्क को करने वाले कॉमन सिल्क वार्म होते हैं, कॉमन सिल्क मोथ होते हैं। देखते हैं सेरीकल्चर क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कि हम जिस साइंस के उस ब्रांच के अंदर जहाँ पे हम सिल्क के बारे में अध्ययन करते हैं, सिल्क वार्म के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। जैसे कि मछली के बारे में हो गया तो पीसी कल्चर, तो इस तरह से एक सेरीकल्चर होता है। ठीक है, और खेती के बारे में हो गया तो एग्रीकल्चर। तो इसीलिए कि यार कि जो टर्म ये यूज किया गया सेरीकल्चर, ये इसमें स्पेशली हम सिल्क के बारे में स्टडी करते हैं। तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि सिल्क वार्म से सिल्क का ऑब्टेन करना, प्रोड्यूस करना, ये ही कहलाता है सेरीकल्चर कहलाता है। देखिए अब यहाँ पे कुछ सिल्क मोथ हैं, जो सिल्क मोथ यानी कि जो सिल्क वार्म हैं, सिल्क मोथ जो कॉमन होते हैं, जो मलबेरी प्लांट्स पे पाए जाते हैं, ये यही इंसेक्ट होते हैं जो सिल्क का प्रोड्यूस करते हैं कुकून्स के फॉर्म में। तो ये मेल है और ये फीमेल है, हमेशा फीमेल मेल से थोड़ी बड़ी होती है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सिल्क, क्या इसका हिस्ट्री क्या है, कि सिल्क कैसे ऑब्टेन हुआ, इसकी क्या कहानी है। तो सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना, सिल्क सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर हुआ था, चाइना में अराउंड 30,500 BC, यानी कि 3500 BC पहले ये सिल्क जो होता है वो चाइना में डिस्कवर किया गया था। सिल्क बिकेम ए प्राइज्ड पोसेशन बिकॉज ऑफ इट्स फाइनली क्वालिटी एंड लस्टर, यानी कि ये बहुत ही अच्छा, एक फैशनेबल और एक अच्छा क्वालिटी होता है हमारे कपड़ों के बिजनेस में, कपड़ों के धंधों में। ओरिजिनली इट वॉज यूज बाई द एम्परर्स ओनली, और जिसका ओरिजिनल होता है सिल्क वो हम और आप इतना कॉस्टली होता है कि हम और आप उसको पहन नहीं सकते, बट अगर हमारे पास उतना मनी है तो हम, बट पहले के ज़माने में सबसे ज़्यादा इसका यूज राजा महाराजा करते थे, इम्प्रेस करते थे। इट वॉज थ्रो ट्रेड दैट सिल्क स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और धीरे धीरे दुनिया के हर एक पार्ट में धीरे धीरे क्या होने लगा, फैलने लगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिल्क वॉज ए स्टेबल आइटम ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ए एशियन टाइम्स, यानी कि जो सिल्क था वो
एक पीरियोडिक टाइम सिल्क वाज दैट स्टेबल आइटम ट्रेड, एक ट्रेड चला हुआ था पहले के ज़माने में, एशियन टाइम में पहले के ज़माने में एक ट्रेड चला हुआ था सिल्क का, पूरे लोग उसके क्योंकि इतने ज़्यादा शौकीन हो गए थे सिल्क पहनने के कि पूछो मत। ड्यू टू दिस द एशियन ट्रेड रूट्स विच लिंक्ड चाइना टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड सिल्क रूट, यानी कि चाइना से अदर कंट्री अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंट्री जो थे वो उससे जो कॉन्टेक्ट बनाए थे, जो सिल्क का वहाँ से मंगवाते थे और उस लाइन को हम बोलते हैं उस पार्ट को बोलते रूट को बोलते थे सिल्क रूट, जिसके रूट से वो सिल्क का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होता था, यानी कि चाइना किसी का अदर कंट्री को भेजती थी, वहाँ से सिल्क के बदले कुछ और सामानें भेजता था, कुछ मनी भेजता था, तो ये जो रूट थी इसे हम कहते थे सिल्क रूट कहते थे। एज पर हिस्टोरियंस सिल्क वाज प्रोड्यूस इन इंडिया ऑल्सो, अब क्या है उसके बाद इंडिया में भी सिल्क का प्रोडक्शन होने लगा। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज ऑल्सो बिन फाउंड, क्योंकि इंडस वैली यानी कि जो घाटियां हैं इंडस वैली वहां के उस सिविलाइजेशन में उस सभ्यता में सबसे ज़्यादा वहां पे ये प्रूफ मिलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे सबसे पहले सिल्क का इंडिया में प्रोडक्शन हुआ। तो अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म, यानी जो सिल्क वार्म होते हैं उनकी क्या लाइफ साइकिल होती है, वो कितने दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो देखते हैं 3 or 4 स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि 3 to 4 स्टेज होता है उनके लाइफ साइकिल का। पहले वो एग देते हैं, एग कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा कन्वर्ट होता है पूपा में और पूपा एडल्ट हो जाता है और फिर सिल्क देना लगता है, फिर एडल्ट क्या डेथ कर जाता है। तो देखते हैं फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, तो एग्स कौन देंगी, मेल तो देंगे नहीं, फीमेल देंगी। तो फीमेल सिल्क वॉर्म या फीमेल सिल्क मोथ जो होते हैं वो एग देते हैं, अंडे देते हैं आफ्टर अबाउट 14 days, 14 दिनों में एग्स आर हैच्ड इनटू लार्वा और अंडा फूट जाता है और उससे लार्वा बाहर निकल जाते हैं और इसको बोलते हैं कॉल्ड कैटरपिलर्स, क्या कहते हैं कैटरपिलर बोलते हैं। अब कैटरपिलर यानी कि जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडा देती हैं, वो अंडा 14 दिन के बाद ब्रेक डाउन होता है और उससे एक लार्वा निकलता है, उस लार्वा को कहते हैं कैटरपिलर, कैटरपिलर कहा जाता है। अब ये लार्वा ग्रोथ करेगा और बनाएगा पूपा, क्या बनाएगा पूपा में कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोथ करके। अब सेक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ प्रोटीन एंड वेव्स द फाइबर्स अराउंड इट सेल्फ कॉमनली, अब क्या होगा कि अभी एक सेक्रेट इसके बॉडी से एक मटेरियल सेक्रेट होगा और फाइबर्स सेक्रेट होगा, वो मटेरियल जो होगा फाइबर्स होगा और किसका बना होगा प्रोटीन का एंड विप्स द फाइबर्स अराउंड इट सेल्फ कम्प्लीटली और इसके चारों तरफ वो क्या होता है एक फाइबर्स की प्रोटीन की बनी हुई फाइबर्स की एक लेयर हो जाती है। फिर दिस कवरिंग इज कॉल्ड कुकून्स और इसी कवरिंग को क्या कहते हैं कुकून कहते हैं, क्या कहते हैं कुकून कहते हैं। लिव इन द कुकून फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद जो कुकून होता है आफ्टर कमिंग अबाउट कुकून ग्रो इनटू ए सिल्क मोथ और वो कुकून उस कवरिंग से बाहर निकलता है और ग्रोथ करके एक सिल्क मोथ बनाता है। तो ये उसका लाइफ साइकिल होता है, क्या होता है उसका लाइफ साइकिल होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है पहले एक फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ है वो क्या करिए अंडे दे रही है, क्या रही है अंडे दे रही है। देखिए यहाँ पे अंडे दिए और अंडे को क्या किए वो हैच कर दिए कुछ 14 days के बाद। तो यहाँ पे देखिए अंडे को हैच करके छोटे छोटे क्या एग्स जो दिया गया है वो कैटरपिलर लार्वा में निकल गए। देखिए यहाँ पे लार्वा में कैटरपिलर निकले हुए हैं और कैटरपिलर जो होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटीन का फाइबर का कवरिंग हो जाता है और उसे हम कुकून्स बोलते हैं और कुकून्स को हम क्या करते हैं वो ग्रोथ करके उसमें से कैटरपिलर बाहर निकलते हैं और ग्रोथ करके सिल्क वार्म या सिल्क मोथ बना लेते हैं। तो ये इनका एक लाइफ स्टेज है। देखिए ये एक मलबेरी ट्री है, आप लोगों ने बचपन में बहुत सारा खाया होगा, अभी बहुत सारे मिलता भी है मार्केट में ये मलबेरी ट्री, इसे शहतूत बोलते हैं। अब देखिए प्रोसेसिंग क्या होता है इसका, अब प्रोसेस कैसे किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ इन्वॉल्व्स, कैसे किस स्टेप में किया जाता है। पहला क्या होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, पहले सिल्क वर्म्स को रियरिंग किया जाता है, उसके बाद रीलिंग, उसके बाद डेइंग किया जाता है। दिस इज फॉलोड बाई सीपिंग एंड विंग, उसके बाद सीपिंग एंड विंग में यूज होता है। देखते हैं क्या होता है सब। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, देखिए रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स,
द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स, पहले जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो अंडा देती है। एग्स आर स्टोर्ड कवर ए क्लीन क्लॉथ ऑफ पेपर स्ट्रिप, और एग्स को क्या करते हैं एक क्लीन कपड़े या पेपर में क्या करते हैं उसको स्टोर करते हैं। द एग्स आर वार्म टू सूटेबल टेम्परेचर, और उस एग्स को एक सूटेबल टेम्परेचर पे वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। द एग हैच इनटू लार्वा कार्ड, और उसमें से जो जब सूटेबल टेम्परेचर पाता है तो ब्रेक डाउन होता है और एग्स, और उसमें से निकलता है क्या एक लार्वा जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वार्म्स कहते हैं। अब देखिए द सिल्क वार्म्स आर केप्ट इन बम्बू ट्रे एंड फीड्स ऑन मलबेरी लीव्स। अब इस सिल्क वार्म को क्या करते हैं हम बम्बू ट्रे या फीड यानी कि मलबेरी ट्री पे उसके भोजन के लिए क्या करते हैं छोड़ देते हैं और ग्रो करके इन साइज कुछ छोटा वो बड़ा हो जाता है। यानी इसके जब कैटरपिलर को हम मलबेरी ट्री पे लाके उसके फूड के लिए उसके फूडिंग के लिए फीड के लिए भोजन के लिए उसको उस पर छोड़ देते हैं और धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रो कर जाता है। आफ्टर 3 to 40 days 30 to 40 days के बाद द सिल्क वार्म स्टॉप ईटिंग एंड बिगिन टू स्पाइन कुकिंग, और 30 to 40 days के बाद जो सिल्क वार्म होता है वो खाना बंद कर देता है क्योंकि उसके ऊपर एक स्पाइन कुकून्स यानी कि वो उसके ऊपर एक कवरिंग यानी कि प्रोटीन फाइबर्स का कवरिंग होने लगता है यानी कि उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कवरिंग आने लगती है और वो खाना बंद कर देता है। कुकून्स गेट हार्डेड बिकॉज ऑफ एक्सपर्स ऑफ एयर, क्योंकि उसके वो एक हार्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं घुस पाती क्योंकि पूरा उसके ऊपर लेयर हो जाता है कवरिंग हो जाती है प्रोटीन फाइबर्स का। इनसाइड द कोकून्स द सिल्क वार्म डेवलप इनटू सिल्क मोथ, और इसी के अंदर जो सिल्क वार्म होता है वह ग्रोथ करके सिल्क मोथ बना लेता है। क्या बनाता है सिल्क मोथ बना लेता है। देखिए ये फीमेल है अंडे दिया, अंडे देने के बाद एक कोकून्स को हम फीडिंग के लिए छोड़ दिए, फिर उसको देख रहे हैं कि कुछ दिन के बाद ये क्या होते हैं उसके ऊपर कोकून्स या कि फाइबर्स का लेयर बन गया, यहाँ पे देखिए लेयर बन गया, अब ये इसी के अंदर सिल्क मोथ ग्रोथ कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका रीलिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग क्या होता है। द कुकून्स आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉयल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम, यानी कि अब हम कुकून्स को कलेक्ट करते हैं और उसे गर्म पानी में सनलाइट के प्रेजेंटेशन में पहले सुखाते हैं फिर गर्म पानी में क्या करते हैं उसे बॉयल करते हैं यानी स्टीम करते हैं उसे भाप भी देते हैं एक्सपोज टू स्टीम, स्टीम के थ्रू क्या करते हैं उसे भाप देते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेटेड आउट, अब उससे क्या होता है सिल्क जो फाइबर्स होते हैं कुकून से सेपरेट हो जाता है अलग हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम रीलिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कुकून्स इज कॉल्ड रीलिंग, यानी कि कुकून से सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड को अलग करना ही रीलिंग कहलाता है। रीलिंग इज डन बाय द मशीन्स, और रीलिंग किसके थ्रू डन होती है एक मशीन के थ्रू होता है। अब देखते हैं यहाँ पे रीलिंग किया जा रहा है, देखिए एक मशीन के थ्रू यहाँ पे कुकून्स को यहाँ से गर्म करके निकाला, यहाँ पे देखिए निकल गया और सेपरेट हो गया कुकून्स और फाइबर्स, और फिर उसको मशीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके के रंग कलरफुल क्लॉथेस बनाने में यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं डेइंग शिपिंग एंड विंग, डेइंग क्या होता है द सिल्क फाइबर्स आर देन डेड इन डिफरेंट कलर, यानी कि अब सिल्क फाइबर को अलग अलग कलर में रंगाई करना उसे ही बोलते हैं डीलिंग। शिपिंग एंड विंग, शिपिंग क्या होता है द सिल्क फाइबर्स आर दे स्पून इनटू थ्रेड्स एंड वोवन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लॉथ आई मीन फाइबर, यानी कि जो शिपिंग और क्या होता है कि जैसे ही उसे रीलिंग रियरिंग के थ्रू उसे निकाल लिया जाता है उसको डेलिंग के थ्रू उसे थ्रेड बना लिया जाता है या डिफरेंट कलर का उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर में सेपरेट कर दिया जाता है उसे रंगाई कर दी जाती है, उसके बाद उसे कपड़े नए नए कपड़े डिफरेंट डिफरेंट कलर के कपड़े बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम शिपिंग एंड विंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मशीन्स हैं उसके थ्रू किया जा रहा है शिपिंग, यहाँ पे शिपिंग किया जा रहा है, यहाँ पे बुनाई कपड़े बन के तैयार हो गए, ये विंग किया जा रहा है। तो यूज ऑफ सिल्क, अब इस सिल्क का कहाँ पे यूज होता है देखते हैं कि सिल्क इज ए कॉस्टली फैब्रिक, यानी कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं बड़े ही महंगे होते हैं कॉस्टली होते हैं, इसे नॉर्मली सब लोग नहीं पहन पाते क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आते हैं, क्योंकि सिर्फ पहनना नहीं होता उसको उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर विंग क्लॉथ स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेस इन इंडिया लाइक साड़ी कुर्ता शॉल एंड अदर वीडिंग क्लॉथेस, यानी कि जो सिल्क कपड़े होते हैं वो बहु इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है
ट्रेडिशनल ड्रेस में, बड़े बड़े पार्टी में, शादी विवाह में, समारोह में इस कपड़े का यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि साड़ी, साड़ी कुर्ता साल एंड अदर वेडिंग एंड क्लॉथेस, यानी कि शादी विवाह के कपड़े साड़ी कुर्ता बनाने में इसका यूज किया जाता है। सिल्क हैड ऑलवेज, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ड्रेस है, क्योंकि कॉस्टली होता है, तो सिर्फ हम एक स्पेशल ओकेजन पे ही इसको पहनते हैं। तो सिल्क हैड ऑलवेज बींग प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी, यानी कि ये बहुत ही महंगा और एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा होता है और एक कॉस्टली होता है। और आप देख भी सकते हैं कि सिल्क कितना महंगा होता है, आप मार्केट में कभी जाके पता भी कर लीजिएगा। द कंट्रीज विच प्रोड्यूस सिल्क ऑन ए लार्ज स्केल आर चाइना, सबसे ज़्यादा जो सिल्क प्रोड्यूस करने की जो कंट्री है लार्ज स्केल पे, वो चाइना है, फर्स्ट रैंक पे आती है एंड इंडिया, और उसके बाद तब इंडिया आता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमल्स से रिलेटेड और भी हम फाइबर्स के बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद हम प्लांट्स फाइबर के बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपने कॉपी में कंप्लीट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।